हेलो स्टूडेंट्स, लैपलेस ट्रांसफॉर्म चैप्टर से हमने ऑलरेडी कई सारे फॉर्मूलेस डिस्कस कर लिए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। जरा एक बार मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लूँ। आपको पहले पता होना चाहिए कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म को लिखते कैसे। तो लिखने का तरीका ये होता है, एफ एस इक्वल टू लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, जिस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है और जिस पैरामीटर में कन्वर्ट करना है, इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एफ टी, ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम कई सारे फॉर्मूले ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमें अब इस फॉर्मूले की डायरेक्टली कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मूले ही लगाएंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसको मैं यहां पर लिख देता हूं। फंक्शन हमारे पास है ई माइनस टी माइनस साइन 5t प्लस 4 cos 70 प्लस 9t³ माइनस 5। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें हम डिस्कस कर लें। जब हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 है, तो फिर उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/s। ठीक है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो है e⁻⁷t, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा 1/(s-a)। मैं ये सारी चीज ले बता रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। अच्छा, अगला है, अगर हमारे पास फंक्शन t⁻n हुआ, तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा n फैक्टोरियल ओवर n⁻ⁿ। ठीक है, अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो sin⁡at हुआ, तो उसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा a/(s²+a²। अगर हमारे पास फंक्शन cos⁡at हुआ, तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा s/(s²+a²। तो इस क्वेश्चन में आपके पास इस तरह के 5 फंक्शंस दे रखे हैं, तो इसीलिए पहले मैंने यहां पर ये सारे फॉर्मूले आपको लिखकर दिखा दिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। एल, अब पूरा फंक्शन क्या है हमारे पास, ई माइनस टू टी माइनस साइन 5t प्लस 4 cos 70 प्लस 9t³ माइनस 5। ये हमारे पास फंक्शन है और हमें इन सबको एस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब लैपलेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए जब तुम्हें क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप इन सबको अलग अलग कर लो। तो हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है e⁻²t⁺ प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ये हमारे पास अगला फंक्शन क्या है, माइनस है तो माइनस हम बाहर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस यहां रख लेते हैं। ये होगा sin⁡ φt s, फिर है प्लस, ये 4 को हम बाहर रख लेते हैं, 4 l cos 70 s प्लस 9 बाहर रख लेते हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका निकालना है हमें, t³ का, और ये s, और लास्ट में हमारे पास 5 है, 5 को बाहर रख लेते हैं, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म इसको काट देते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 s। ठीक हो गया, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे जरा सबसे पहले देखो कि eat फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/(s-a)। ठीक है, तो इसका अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 1/(s-a), पर a यहां पर हमारे पास -2 है, तो हम इसकी जगह रख लेंगे -2।
ठीक हो गया। अब ये हमारे पास है माइनस, ये माइनस हमने लगा दिया। अब ये है साइन 5t, है ना। तो जरा यहां देखो, मैंने साइन at जो फंक्शन है उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या लिखा है, तो इसी को देखकर यहां भी लिखना है। a की जगह है 5, तो ये हो जाएगा 5 over s² + 5 का स्क्वायर। फिर ये है प्लस 4 cos 70, cos 70 का, cos का देखें, cos 80 का होता है s over s² + a² तो इसका हो जाएगा s over s² + 7 स्क्वायर। फिर ये है प्लस, इसका करना है हमें, तो ये 9 लगा दिया l। अब t³ का जरा हम एक बार देख लें यहां कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर s n+1। तो अगर यहां पर 3 है तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 3+1, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर s की पावर 3+1 माइनस लास्ट वाला है आपके पास 5 मल्टीप्लाई 1 का। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1 ओवर s, तो ये हो गया 1 ओवर s। बस अब हमें सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 1 ओवर s+2, ये हो जाएगा 5 ओवर s² + 25 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4s/s² + 49 प्लस, जरा इसको देखो, ये 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा, और नीचे आपके पास हो जाएगा s की पावर 4 माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं 5 ओवर s। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। जो पहला क्वेश्चन था हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास ये जो दूसरा क्वेश्चन है, cosh² 4t। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कलर चेंज कर लेते हैं। हमारे पास है cosh² 4t। अब अगर इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, वो है cosh 2x। 2x नहीं लेता, t ले लेता हूं, याद रहेगा आपको। cosh 2t इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 2 cos, तो ये हमारे पास है cosh² t - 1। मतलब अगर मैं इस 1 को वहां शिफ्ट करूं तो 2 cosh² t इक्वल होता है 1 + cosh 2t, और 2 को अगर डिवाइड में ले जाऊं तो cosh² t इक्वल होता है 1 + cosh 2t/2। अब यहां पर देखोगे तो इसमें ये 4t है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो t है ना, ये t दिख रहा होगा आपको, इस t की जगह मैं 4t लिख लेता हूं। तो cosh² मैंने 4t लिख लिया, तो अगर इस t की जगह 4t लिखूंगा तो यहां पर इस t की जगह भी 4t लिखना पड़ेगा, और ऑलरेडी ये 2 है तो इसकी जगह वो 4t रखूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 8t, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। तो हमारे पास cosh² 4t का ये फॉर्मूला आ गया है। तो हमें इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था, पर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में cosh(at)/2, तो मतलब हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो क्योंकि हम कई सारे फॉर्मूले ऑलरेडी सीख चुके हैं तो इसलिए लंबा चौड़ा हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो cosh(at) है, cosh(at) का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा वो हमारे पास होता है s/s² - a², ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हमारे पास फंक्शन 1 है
तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1 ओवर s। तो आइए बच्चों अब इस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको निकालना था cosh²4t का, जिसको हमने बाद में कन्वर्ट कर लिया 1 प्लस cosh(at)/2 की फॉर्म में। ठीक है, इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 1/2 L 1 प्लस cosh(at)(s) और 1/2 तो बाहर है। अब ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 के लिए अलग कर लो और इसके लिए अलग कर लो, कुछ इस तरीके से। L 1 के लिए कर लिया अलग, s प्लस लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cosh(at)(s)। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये देखो यहां पर है, इसका मतलब है 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो 1 का लैपलेस ट्रांसफॉर्म कितना बताया मैंने आपको, 1/s। तो आप इसकी जगह क्या रख लेंगे, 1/s। अब ये है cosh(at)। पहले आप ये देखो मैंने क्या बताया था, cosh(at) का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म है वो है s/(s²-a)। और अगर इस a की जगह 8 लिख दो तो यहां पर भी इस a की जगह 8 लिखना पड़ेगा, जो कि यहां पर दे रखा है। तो ये हो जाएगा s/(s²-8)². तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1/2 1/s + s/(s²-64)। अब इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और यहां तक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर तो आ ही चुका है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट बच्चों। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन के तो टाइप्स ही बहुत हैं। ये थर्ड पार्ट देखते हैं। अब ये थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, 1 प्लस t e की पावर -t। फंक्शन हमारे पास है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये रीड कर लेते हैं। तो अब हम तीसरा क्या करने वाले हैं इसमें, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1 प्लस t e - t की पावर 3। अब इसका करना है तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंशन करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा आपका, यहां पर हम a³ a + b का होल क्यूब अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3a²b + 3ab² तो यहां पर भी हम 1 प्लस t e की पावर -t का होल क्यूब लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस t³ e की पावर -3t + 3 multiply 1 का स्क्वायर t e - t + 3 multiply 1 multiply t e - t का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस t³ e की पावर -t + 3t e की पावर -t + और ये हो जाएगा 3t²e की पावर -2t। तो हमें इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए कहा था, लेकिन अब हम इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।